अगले महीने को पड़ेगी बहुत जरूर, उसके बाद देख लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं। अरे बाबूजी अस्सलाम वालेकुम। और बाबूजी खैरियत से हैं आप? और कहीं शहर पर जा रहे हैं क्या घूमने? अरे हाँ हाँ ठीक हूँ, जरा किसी काम से जा रही हूँ। कौन था ये जिसे तुम इतना झुक के सलाम कर रहे थे और इसने तुम्हें घास तक न डाली? ऐसी बात ना है यार, बाबूजी जल्दी में थे, वरना बाबूजी तो बहुत बढ़िया आदमी। और मेरे भाई असरफ सब बढ़िया हैं? और घर ऊपर सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है भाई, मुझे जरा कुछ काम है, मैं भी आ रहा हूँ। क्या आदमी है सारा। अबे ये कौन थे असरफ भाई जो तुमसे इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहे थे और तुम इस तरह से पेश आए उनसे? है मेरा सारा गरीब दूर का रिश्तेदार, जबरदस्ती चिपटता रहे। अरे बाबूजी, अरे हमारे असरफ भाई नहीं है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, अंदर ही है वो, आप देख तो लो उन्हें। कौन अशरफ है कौन ये? और इसकी टांग टूटी तो मुझसे क्या, रोज ने किच्चू की टांग टूटती है, मैं क्या सबके हालात पूछता फिरूंगा? मेरे भाई असरफ तुम ठीक तो हो? मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी टांग टूट गई, और तुम्हें किसी भी टाइम अस्पताल जाने की जरूरत पड़े ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हें अपने रिक्शे से लेकर जाऊंगा। शुक्रिया जहीर भाई, लेकिन रिक्शे की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि सकलैन भाई अपनी बाइक से ही ले जाते हैं। फिर भी तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, हिचकिचाना मत, मैं आ जाऊंगा। देखा सरफ भाई आपने, जिसे आप अमीर समझकर जबरदस्ती रिश्ता जोड़ना चाह रहे थे वो आपको देखने भी नहीं आया, और जिसे आप गरीब समझकर रिश्ता तोड़ रहे थे वो आपके लिए कितना हमदर्द है। रिश्ता पैसे वालों से नहीं बल्कि उससे जोड़ो जो आने वाले वक्त में हमारे काम आए।